हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की जो रेसिपी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ वो है ग्रीन वेज पुलाव रेसिपी। ये बहुत ही टेस्टी है। यदि आपके घर में कभी चावल बच जाए, बने हुए चावल बच जाए, तो आप ये रेसिपी बना सकते हो। ये बहुत ही टेस्टी है, हेल्दी है और इजी भी है। मैं तो इसके लिए स्पेशली जो है चावल बचा कर रखती हूँ। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें। चलिए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है मैंने 2 कटोरी बने हुए चावल ले रही हूँ। ये कुक्ड राइस है। और उसके बाद जो है हम पालक लेंगे। पालक को जो है आप कुकर में भी उबाल कर बना सकते हो, पर यहाँ पर जो है मैंने अलग से एक बर्तन में इसे अच्छे से उबाल लिया है। उसके बाद इसे ग्राइंड कर लिया है, प्यूरी बना ली है। 1 कटोरी जो है एक बड़े बाउल में एक प्योरी ले ली है पालक की। इसके बाद 1 कटोरी हमने हरे मटर लिए हुए हैं। और ये एक गाजर ली हुई है जिसे मैंने काट लिया है। और थोड़ी सी शिमला मिर्च ली हुई है। शिमला मिर्च जो है ऑप्शनल है, यदि आप इसे स्किप करना चाहते हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। और 1 बड़ा प्याज लिया हुआ है, इसे भी मैंने थोड़ा बड़ा बड़ा काटा हुआ है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। यहाँ पर 2 गार्लिक ली हुई है मैंने, 3 से 4 हरी मिर्च, और ये दालचीनी और तेज पत्ता, जीरे है, राई है और थोड़ा सा नमक है। तो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम पैन को गर्म कर लेते हैं। उसमें हल्का सा तेल डाल के उसे भी गर्म कर लेते हैं। देन उसके बाद इसमें हम थोड़ा सा राई डालेंगे, 1 छोटा चम्मच राई। राई हमारी अच्छे से हो जाए उसके बाद हम इसमें लहसुन डालेंगे। इसके बाद 1 छोटा चम्मच जीरे, खड़ा मसाला, दालचीनी, तेज पत्ता। इसके बाद हम हरी मिर्च डालकर प्याज डाल देंगे। अब जो है हम प्याज को अच्छे से भून लेते हैं, हल्का सा ही तेल में हमें थोड़ा सा भूनना है। इसे हल्का सा पका लीजिए। इससे जो है प्याज से जो है टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसे ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का ही हमें तेल में करना है। इसके बाद हम गाजर डालेंगे, हरे मटर, देन उसके बाद शिमला मिर्च। इसे आप अच्छे से तेज गैस पे रख के अच्छे से पका लीजिए। हमें सब्जियों को ज़्यादा भूनना नहीं है, हल्का सा सेक लेना है। इसके बाद जो है इसमें हल्का सा नमक डाल के आप सब्जियों को पका लीजिए, ढक करके पका लीजिए। ये नमक डाला हमने इसलिए इसे मिक्स कर रही हूँ मैं। अब इसे 10 से 15 मिनट के लिए जो है हम गाजर और शिमला मिर्च को, मटर को, ताकि अच्छे से हो जाए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है हमारे शिमला मिर्च और गाजर अच्छे से पक गई है। ये इस तरीके से आप चेक कर लीजिए। इसके बाद जो है हम पालक का जो प्यूरी हमने बना रखी है वो डालेंगे। अब आप जो है गैस को तेज में करके हल्का सा इसे भून लीजिए। देन उसके बाद आप इसे ढककर पकाइए। तो आप देखेंगे ये हमारा जो मसाला है वो थोड़ा सा थिक हो जाएगा, थोड़ा सा और पका लेते हैं इसे 5 मिनट के लिए। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ये थिक हो गया है। अच्छा, अब जो है हम इसमें राइस डालेंगे, पके हुए चावल। यदि आपको लग ये थोड़ा सा चावल ज़्यादा है तो मैं कम डाल लेती हूँ।
इस तरीके से आप मिक्स कर लीजिए। आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब जो है इसे हम, यदि आपको लगता है नमक कम है थोड़ा सा, आप एक्स्ट्रा ऊपर से भी डाल सकते हो। यदि आपने चावल पकाते समय नमक डाला है तो आपको एक्स्ट्रा नमक डालने की ज़रूरत नहीं है। सो फ्रेंड्स, इसे 5 से 10 मिनट के लिए हम चावल को भी पका लेते हैं अच्छे से, ताकि हमारे राइस जो है वो भी थोड़े से अच्छे से पक जाए। अब जो है ऊपर से थोड़ा सा हम घी डालेंगे, अमूल बटर यूज़ कर रही हूँ मैं। इस तरीके से 1 चम्मच घी डालकर हम जो है इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अभी से 5 मिनट पकाने के बाद तो आप देखेंगे इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है घी डालने की वजह से। सो फ्रेंड्स, हमारा ग्रीन वेज पुलाव जो है एकदम रेडी है, खाने के लिए तैयार है। अब जो है आप इसे गार्निश करने के लिए थोड़ा सा कोरिएंडर डाल सकते हैं, हरा धनिया, कटा हुआ हरा धनिया। सो फ्रेंड्स, हमारा ग्रीन वेज पुलाव जो है एकदम तैयार है। तो यदि आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप भी इसे ट्राई करिए और अपना एक्सपीरियंस जो है मुझे कमेंट में शेयर करिए। मुझे बताइए आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, और यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। बाय बाय।